ये सोनी 32 इंच के एल बी 32R412B मॉडल का मेन पीसीबी का वोल्ट स्टार्ट देख लीजिए। ये तो स्टैंड बाई कंडीशन में है, स्टैंड बाई कंडीशन में इसका पावर लाइट नहीं ग्लो होगा। 19 वोल्ट का एडाप्टर से चलता है। देखिए यहाँ पर 19 वोल्ट एडाप्टर है, एडाप्टर का वोल्टेज, ये मॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पर एक 6 पिन का आईसी है और ड्राइव करेगा, यहाँ से 19 वोल्ट आउटपुट हो जाएगा। ये 9 वोल्ट आउटपुट होने के बाद सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। देखिए 19 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, इसका बाद इस कॉइल से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा। इस आईसी से 3.3 वोल्ट आउटपुट होगा, ये 3.3 वोल्ट इस आईसी का अंदर इनपुट होगा। ये 8 पिन वाला आईसी यहाँ से इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद यहाँ से आउटपुट होगा 1.5 वोल्ट। ये 1.5 वोल्ट इस प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा, ये 1.5 वोल्ट से प्रोसेसर रन करेगा। उसका बाद ये 19 वोल्ट यहाँ पर भी आएंगे देखिए, और यहाँ से इस आईसी का माध्यम से इस कॉइल से 5 वोल्ट आउटपुट होगा। ये 5 वोल्ट यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा हुआ है, स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद यहाँ से आउटपुट होगा। अभी यहाँ पर 0 है, ये मॉस्फेट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। मॉस्फेट का ड्रेन में, सोर्स में है, ड्रेन में आउटपुट होगा। तो इसी कंडीशन में, स्टैंड बाई कंडीशन में ये वोल्टेज रहेगा। स्टैंड बाई रिलीज करने के बाद यहाँ पर क्या वोल्टेज आ रहा है आप देख लीजिए। स्टैंड बाई रिलीज कर दिया, आप देख पाएंगे बैकलाइट ऑन हो जाएगा, बैकलाइट ऑन हो गया। स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद यहाँ पर देखिए, ये हमारा पैनल VCC है, यहाँ पर तो 19 वोल्ट रहेगा, लेकिन ये पैनल VCC यहाँ से 12 वोल्ट आउटपुट होगा। और ये वाला एक IC है, यहाँ पर भी 19 वोल्ट रहेगा, 19 वोल्ट सबके पास जाएगा, यहाँ से 1.2 वोल्ट आउटपुट होगा, प्रोसेसर में जाएंगे। ये वोल्टेज का स्टेटस ऐसा ही होता है। और ये जो बैकलाइट ड्राइवर है, यहाँ पर बैकलाइट ड्राइवर जो सप्लाई है, ये 25 वोल्ट में जलेगा। 3 स्टीप इसका अंदर है, 3 स्टीप, ठीक है। ये ड्राइवर सर्किट है, मॉस्फेट है, कॉइल है, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा ही है। तो दोस्तों आपका वीडियो एक कोई काम में लगेगा, हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।